कि हम सब एयरफोर्स में जाना चाहते थे। तो पापा जी मेरे पापा जी नेवी में थे, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, दिल्ली ही आ गए हैं। तो पापा जी ने जब मुझे ना कहा तो मेरी वजह से मेरी सारी फ्रेंड के मम्मी पापा ने ना कर दिया, तो हम चारों की चारों ही कोई भी एयरफोर्स में नहीं जा पाए और ना ही हम सब आगे की पढ़ाई कर पाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और छोटे छोटे से मेरे व्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो देखिए जी, चेहरा आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, दिवाली में इतनी सारी मेहनत करके और उसके बाद दिवाली का फुल डे रूटीन जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है, वो सब कुछ करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मतलब कि अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे बीमार हो गई हूँ, बीपी भी थोड़ा लो हो गया है और बस नहीं, बेटा गया है इंस्टीट्यूट और हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं सुबह 8 बजे ही, और मैं हर्ष का वेट कर करके अब देखी मैं आपको। देखो जी, हमारी मोर कैसे लग रहे हैं आपको ये ज़रूर बताया करो मुझे। तो देखिए बिल्कुल 10 बजने वाले हैं, मैं उसका वेट कर करके बस मैंने अभी जो नाश्ता है वो फिनिश किया है, क्योंकि मैं भी सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ तो 10 बजने वाले हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने नाश्ता कर लिया है। तो ये ड्रेस मैंने कल धोई थी, हालांकि अब ना वेदर थोड़ा चेंज हो गया, धूप जो है ना वो थोड़ी तेज़ नहीं निकल रही है, हल्की सी निकल रही है। तो ये वाला कुर्ता मैंने भैया दोज पे पहना था, भैया दोज का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ना उसकी बहुत सारी क्लिपिंग जो है जो मैंने शूट कर कर रखी थी, नहीं पता नहीं कैसे क्या हुआ वो डिलीट हो गई है, मिल ही नहीं रही है। तो बहुत छोटी, तो डेकोरेशन तो आपने देखी ही थी उस दिन, फिर से दिखा देती हूँ। सुबह का टाइम है और आपने टाइम देख लिया, 10 बज रहे हैं और बाहर धुंध टाइप की हो रखी है, धूप ना निकलने के कारण ये सूखा नहीं है, तो यहाँ पर दरवाजे पर डाल दिया था रात को, क्योंकि हम ऊपर कपड़ा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और जो मैंने आपको सामने विंडो दिखाई है, रात को वो विंडो भी बंद हो जाती है, हम उसको ऊपर नहीं रखते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हम डेली लाइफ में धो देते हैं, तो मैं ना उनको मशीन में ड्राई नहीं करती हूँ, हाथ से धोती हूँ तो फिर ड्राई नहीं करती हूँ। मशीन तो हफ्ते में एक ही दिन लगती है या फिर 8-9 दिन में 2 बार लगती है। मैंने अपना बेड जो है वो यहाँ चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ गेट के सामने ऐसे बेड था ना तो मुझे ठंड लगती थी, मतलब कि आराम नहीं मिल पाता था, सीधी हवा आती थी सुबह के टाइम, और जिससे कि मेरी स्वेलिंग जो है फेस पर बढ़ गई थी। और तो इसीलिए मैंने अपना बेड जो है वो इस तरफ साइड में कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं लगती है। हालांकि सृष्टि बोल रही है कि मम्मी इस तरफ मन नहीं लगता, अब वहाँ की आदत हो गई है तो वहाँ से टीवी भी अच्छा दिखता है तो वहीं कर दो इसको। तो मेरा टीवी ना वो वाला है, उसके नीचे आप सोचोगे इतना ये है इतना वो है, इतना बड़ा घर है उसके बाद भी टीवी छोटा सा है। तो टीवी छोटा सा होने के बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहला कारण तो ये है, ये वही वाला टीवी है जो मैं आज से 19 साल पहले अपनी शादी में लेकर आई थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, हम सोचते हैं जब ये चीज़ ख़राब नहीं हुई है, इसमें सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, मैं इसको रिमोट से चेंज कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना इसी को रखूँ। और फिर चौथा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी बजट जो है वो थोड़ा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब कुछ ही है, आप सब जानते हो मिडिल क्लास फैमिली में कुछ ना कुछ हमेशा ही लगा रहता है। हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पर है वो ठीक है, लेकिन आप बहुत से आदमियों की मन में ये है कि गवर्नमेंट जॉब वालों के तो वाह वाह होते हैं, पैसों की खजाना खुदा रहता है, जो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो टाइम पर नहीं आती है, और अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा कटपिट कर आती है। पहले बात तो टाइम पर नहीं आती है, आप बिलीव नहीं करोगे, हम दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं लेकिन ना तो हस्बैंड को दिवाली का बोनस मिला है, जो कि पिछले 6 सालों से नहीं मिल रहा है, और ना ही दिवाली से पहले हस्बैंड को सैलरी मिली है, जबकि यहाँ पर जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में सैलरी लगभग 20 तारीख के बाद आ जाती है, 20 से 25 के बीच में आ जाती है, लेकिन इंडिया का इतना बड़ा फेस्टिवल गुजर गया, हमारी सैलरी है जो नहीं आई है। तो आप सब, तो हस्बैंड ने एक नया काम शुरू किया था, वहाँ से उनको ये गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो पैसे के नाम पे तो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, बस ये गिफ्ट थमा दिया और मिठाई का डब्बा, और आप ये नहीं मानोगे, ये बहुत साल पुराना, मेरे ख्याल से ये 15 साल पुराना होगा जो इस बार दिवाली पर मैंने बाहर निकाला है, और बस कुछ दिन में फिर इसको पैक करके ऐसा
बिजनेस है या काम है जिसे जिस भी लेडीज़ को या जिस भी पर्सन को, कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जिसको जरा सा भी हुनर अपना आता है उसको घर में ज़रूर करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मेरी शादी हुई है लगभग 19.5 साल हो चुके हैं, अभी अप्रैल आएगा तो 20 ईयर्स कम्प्लीट हो जाएंगे। तो 20 ईयर्स में डेली लाइफ में कितने सारे कपड़े हम रोज़ पहनते हैं, वो सारे कपड़े मैं अपने घर पर ही स्टिच करती हूँ, अपने और सिस्टी के भी बहुत सारे, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है, मुझे मेहंदी आती है, और मुझे मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स किया था तो मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, कुकिंग का कोर्स किया था, बेकिंग का, जिसमें केक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है, जब मैं कोलकाता में थी। तो हालांकि मैं सीखना तो कुछ और चाहती थी, बट पापा जी ने मुझे वो सीखने के लिए मना किया। एक्चुअली मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी, मैं और मेरी फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बस हम बातों पर ही रखते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स हम जाना चाहते थे एयरफोर्स में, क्योंकि हमारी हाइट भी ठीक ठाक थी और हमारा नॉलेज भी अच्छा था, और हम चार फ्रेंड्स थी, चारों की चारों ही हम कोलकाता में ही रहती थी। बर्थ प्लेस हमारा कोलकाता ही था, बट हम इंडिया के अलग अलग पार्ट से थी। हालांकि इस टाइम पर मेरे पास एक भी फ्रेंड का मेरा नंबर नहीं है, और ना ही हम किसी भी तरह से एक दूसरे से बात कर पाते हैं, क्योंकि हम चारों पाँचों जो है, मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी उसकी एक दीदी थी, तो हम उनको भी दीदी ही बोलते थे। तो हम पांच हो गए, तो हम पांचों के पांचों ही मतलब कि इंडिया के अलग अलग कोने में पहुंच गए हैं। जैसे मैं दिल्ली आ गई हूं, और मेरी फ्रेंड अर्चना थी वो बिहार में है कहीं, मुझे जगह का नाम नहीं पता, क्योंकि बस अचानक ही सबकी शादी हो गई, 12 सबने पास की, अचानक ही प्लान बन गया गांव जाएंगे, सब अपना अपना चले गए, हम इधर आ गए, वो उधर चली गई। और मेरी फ्रेंड सीमा थी वो भी टाटा नगर है कोई, पटना के आसपास वहाँ है, और सुमन जो थी वो अभी भी कोलकाता में ही है, क्योंकि अभी मुझे ठीक से पता नहीं, क्योंकि लगभग 3 साल हो चुके हैं मेरा कोलकाता से कोई कांटेक्ट नहीं है कि मैं पूछ भी सकूं कि कहाँ है मेरी फ्रेंड, हो सकता है उसकी भी शादी हो गई हो। मेरे ख्याल से मैं 4 साल पहले जब कोलकाता गई थी तब हम दुर्गा पूजा के टाइम पर मिले थे, और तभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो घर की बड़ी थी, और उसके दीदी के जाने के बाद, तो दीदी जो है वो नेपाल चली गई थी, उनकी शादी नेपाल में हो गई थी, और उसके बाद जो सुमन थी वही घर की बड़ी रह गई थी, और घर में देख रेख मतलब उनके कोई बेटा नहीं था, तो देख रेख जो है वो सब कुछ सुमन को ही करनी थी। सुमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था साड़ी से जुड़ा हुआ, तो वो वहीं पर कर रही थी। और छोटी बहन की शादी मैंने सुना था उसी टाइम पर कि उन्होंने लड़का वगैरह देख लिया, पहले वो उसकी करेंगी और उसके बाद अपनी करेंगी। तो चार हम पाँचों हम मतलब इंडिया के अलग अलग कोने में फेंक दी गई है ही बोलूँगी, क्योंकि हम सब जितनी भी फ्रेंड्स थी हम सबकी शादी मतलब कि जैसे पहले होता था वैसी हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी शादी गलत जगह हो गई है या हम खुश नहीं हैं, हम खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। और हालांकि मैं अपनी तरफ से यही बोलूँगी कि इससे अच्छी बेटर लाइफ हम सबकी नहीं होती। जैसी मैं खुश हूँ, मैंने भी 12 की, यहाँ दिल्ली आने के बाद मैंने BA की है, तो होप करती हूँ कि मेरी सारी फ्रेंड भी मेरी तरह ही अच्छी होंगी और खुश होंगी अपनी लाइफ में। हालांकि हम सब से किसी से पूछा नहीं गया कि हम जो आगे करना चाहती हैं वो नहीं करने दिया गया हमारे मम्मी पापा ने, और जल्दी ही हमारी शादी कर दी हम चारों फ्रेंड की। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि हम सब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, तो पापा जी मेरे पापा जी नेवी में थे, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, दिल्ली ही आ गए हैं। तो पापा जी ने जब मुझे ना कहा तो मेरी वजह से मेरी सारी फ्रेंड के मम्मी पापा ने ना कर दिया, तो हम चारों की चारों ही कोई भी एयरफोर्स में नहीं जा पाए, और ना ही हम सब आगे की पढ़ाई कर पाए। वो तो अच्छा है कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, वो चाहते हैं कि अगर लेडीज़ कुछ करना चाहती है तो उन्हें करने दिया जाए। जब मेरी शादी हुई उन्होंने तभी मुझे बोला था कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मेरा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान है और मेरा नॉलेज थोड़ा अच्छा है। जैसे कि मैं भी गांव से ही बोलूँगी कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, बस मेरा बर्थ प्लेस कोलकाता है, उनका बर्थ प्लेस UP है, और वो थोड़े मतलब अपनी पहचान जो है वो गाँव वाले ही रखते हैं। मैं अपनी बोली भाषा जो होती है वो जैसे शहरों में होती है वैसे रखती हूँ, वो थोड़े गांव टाइप के हैं लेकिन सोच उनकी शहरों वालों से भी ज़्यादा अच्छी है।
तो इसी वजह से वो सोचते थे कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हारे में है तो तुम पढ़ सकती हो। और उन्होंने मुझे कंप्यूटर भी सिखाया, बीए भी करवाया, बहुत कुछ जो मैं चाहती हूँ वो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कुछ भी करो लेकिन घर पर रहकर करो, घर से दूर मत जाओ क्योंकि घर पहले हैं, बच्चे पहले हैं। तो मैंने भी यही किया, मैं घर पर ही करती हूँ जो भी करती हूँ, बाहर दूर जाकर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो जब मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं एयरफोर्स में नहीं जाना है, तो फिर हम सब सारी की सारी फ्रेंड्स बहुत उदास हो गई कि हम सब जो करना चाहते हैं हमें नहीं करने दिया जा रहा है। फिर हम सब ने सोचा कि चलो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सीखता है। तो जैसे अर्चना ने और मैंने, हमने सिलाई सीखी, और सुमन ने अपना मेहंदी का कोर्स किया, उसको मेहंदी में इंटरेस्ट था, और सीमा ने ड्राइंग की। तो हम सब ने ऐसे ही अलग अलग करके सारी चीज़ें की। और इसका बेस्ट पार्ट आपको पता है क्या, हम सब ने जो सीखा, मतलब कि मैंने और अर्चना ने सिलाई सीखी, तो हमने सिलाई से जुड़ी हुई बहुत सी कॉमन कॉमन सी चीज़ें वो अर्चना ने मैंने सुमन को सिखाई और सीमा को सिखाई। सीमा ने और सुमन ने भी, हम दोनों को जो उन्होंने सीखा वो हमें सिखाया। जैसे कि उन्होंने मेहंदी सिखाई हमें, हमें ड्राइंग सिखाया, फिर मैंने और सुमन ने, हमने वो किया बेकिंग क्लास की और सॉफ्ट ड्रिंक की क्लास की। तो फिर हमने वो चारों ने, मतलब हमने जिसने भी जो सीखा एक दूसरे के साथ उसको बांटा, शेयर किया और एक दूसरे को सिखाया। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तो तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा छोटा सा ब्लॉग देख पाओगे। और मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि बस पढ़ाई करो और शादी कर दो, पूछा नहीं गया, जो हम सीखना चाहते थे वो सीखने ही नहीं दिया गया, फिर भी हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और जो हमसे हो सकता था वो हमने सीखा और आज के प्रेजेंट टाइम में वही चीज़ें हमें हेल्प कर रही है। तो जितनी भी मेरी लेडीज़ बहनें मुझे देख रही है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सीखिए, चाहे वो कुछ भी हो। आपको अगर कहानी लिखना अच्छा लगता है कहानी लिखिए, आपको मेहंदी अच्छी लगती है मेहंदी सीखिए, ब्यूटिशन अच्छा लगता है ब्यूटिशन सीखिए, मेकअप अच्छा लगता है मेकअप करना सीखिए, और आपको सिंगिंग अच्छी लगती है सिंगिंग करना सीखिए, डांस अच्छा लगता है डांस सीखिए, जो जिसको अच्छा लगता है प्लीज़ वही सीखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि मैंने शादी से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं सोचा था कि आगे मैं शादी करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, क्या होगा। बहुत सी लड़कियों की थिंक होती है कि मैं शादी के बाद ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने सोचा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने शादी में स्टेज तक नहीं लगवाया था कि बस जैसे स्टेज पर जाते हैं जयमाला वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने करवाया था क्योंकि मेरे कुछ सपने ही नहीं थे शादी से जुड़े हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।